पिछले एक साल में आपने कितने पैसे कमाए अप्रॉक्समेटली साढ़े पंद्रह से सोलह करोड़ जाएगा छह महीने बाद अगर आप एटलीस्ट डबल ना तो आपका पूरा पैसा वापस। रूमर कोचिंग इंडस्ट्री एक वेबिनार में इन्होंने साढ़े तीन से चार करोड़ रुपए कमाए सिर्फ एक वेबिनार से तीन घंटे के अंदर चार करोड़ रुपए

आज के द अरविंद अरोड़ा शो में मैं आपको यंगेस्ट एंट्रप्रनोर से मिलवाता हूं इनका नाम है हिमांशु अग्रवाल और बहुत सारी बातें करेंगे समझेंगे कि इतना बड़ा अंपायर इतनी कम उम्र में इसने कैसे क्रिएट कर लिया क्या है इनके सीक्रेट्स चलिए जानते हैं वन एंड ओनली द अरविंद अरोड़ा शो में प्लीज वेलकम मिस्टर हिमांशु अग्रवाल थैंक यू सो मच अरविंद भाई फॉर हैविंग मी ओवर हियर थैंक यू सो मच बिल्कुल पूरे रिवील करेंगे आपकी ऑडियंस को जितनी वैल्यू हो सके उतनी वैल्यू देंगे एंड ट्राई करेंगे कि आपकी वैल, आपकी ऑडियंस जो एक घंटा डेढ़ घंटा बिताए इस वीडियो के ऊपर वो उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज उठा के जाए एग्जैक्टली exactly. तो टेक्निकल बातें करेंगे देखो सिंपल सी बात है ऑब्वियसली जो पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बोली है कि क्या ऑनलाइन कोर्स ये भेजता है भाई ऐसे कैसे भेजता है क्या सीक्रेट्स हैं ऑफ गॉड कैसे कैसे के ऊपर पहुंच गया पर पर्सनल बातें भी बहुत सारी करेंगे क्योंकि है तो इंसान ही ना लेकिन खास बात क्या है जैसे मैं हमेशा कहता हूं द अरविंद अरोड़ा शो में क्वेश्चंस कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होते हैं exactly. आंसर्स उन क्वेश्चंस को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं

हिमांशु अग्रवाल की एज जानते हैं आपकी एज क्या है सो आई वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी अप्रैल मेरी एज अभी ट्वेंटी थ्री है तेईस साल का है ये लड़का अब आप ये बताओ पिछले एक साल में आपने कितने पैसे कमाए इफ यू वॉन्ट टू नो द एग्जैक्ट नंबर मल्टीपल कंपनीज हैं तो वो एग्जैक्ट नंबर थोड़ा ओपन नीचे जाएगा बट अगर मैं आपको मेन कंपनी की बात करूं hmm. तो लास्ट ईयर दैट इज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई वु मेड अराउंड अप्रॉक्सिमेटली बारह करोड़ और अगर मैं अपनी सारी कंपनी से बुलाऊ तो अप्रोक्सिमेटली साढ़े पंद्रह से सोलह करोड़ जाएगा इस साल तीन महीने हुए हैं और मैं ऑलरेडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव क्रॉस्ड अप्रोक्सिमेटली सिक्स करोड़ टू सेवन करोड सुन रहे हो <laughs> तो क्रोर्स में मैं जब बोल रहा था तो ये गलत नहीं है और इनफैक्ट मैं भी इतना नहीं कमाता हूँ बट दैट इज़ इनसेन दैट इज क्रेजी जानते हो कैसे किया इन्होंने अच्छा एक और चीज़ मैं जब बोल रहा था बाय द वे कि ये बंदा तेईस साल की उम्र में खुद का प्राइवेट जेट बुक करने की सोच रहा है कितनी सच्चाई है इसमें सो so, um... जिनको पता है जो लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं उन्हें देखा होगा कि पांच से दस दिन पहले ही, मतलब आई केम टू बैंगलोर आपसे मिलने हाँ। आ, उसके से दस दिन पहले ही मैं जेट के ऊपर था तो दिल्ली से रंथम बोर की मैंने एक चार्टर फ्लाइट ली थी एंड द रीजन फॉर दैट फ्लाइट की था कि मुझे एक्सपीरियंस करना था एक प्राइवेट जेट होता क्या कि बहुत बड़ी चीज होती है क्या सौ दो सौ करोड़ की चीज है क्या कि ऐसी कुछ हो सकता है क्योंकि मैंने ऐसा समझा लाइफ में कि ज्यादातर चीजें जो हम बहुत बड़ी मानते ना ऐसी कि ये हो गया तो जीवन बदल जाएगा ऐसा कुछ वो इतनी होती नहीं है मतलब वहां पहुंचने के बाद सो मैं ऐसे गया मैंने चार्टर बुक किया दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी रंथमपुर की मैं स्टूडेंट्स को भी लेके हैं तीन चार नहीं है नहीं। और स्पेशली अगर इसको लेट से तीन लोग मिल के लें तो, तो और कम अमाउंट हो गया और उसके बाद भी अगर इस पर बिजनेस खड़ा कर पाओ आप तो फिर एसेट ही हो गया वो लाइबिलिटी की जगह सो इसमें बिल्कुल सच्चाई है और वो तो टाइम ही बताएगा कि वो कितनी जल्दी आता है एंड कितनी जल्दी लोग देख पाते हैं क्या बात यार एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है जनरली जब हम क्रोड ऑफ रुपीज की बात करते हैं वो भी कोर सेल से तो लोग जर्नली ना ऐसे दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि ना यार वो बंदा यार बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा बहुत एज होगी उसकी कम से कम पैंतीस चालीस साल का तो होगा है ना तब जाके अपने पूरे दस पंद्रह साल के एक्सपीरियंस के थ्रू वो क्रोड्स ऑफ रुपीज़ कमा रहा होगा अंकुर वारी को उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है कि उसने अपने पहले एक कंपनी खोली फिर उस कंपनी हालांकि वो वो कंपनी लोग जैसा कहते हैं कि वो लॉस मेकिंग कंपनी बट उसने बड़े स्मार्टली उस कंपनी को सेल किया उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया डिजिटल मार्केटिंग में खूब सारा स्पेंड करते हैं वो इस एज में

आई टेक इट एज एड कंपनी पहला और दूसरा परस्पेक्टिव मेरा यह है कि यह रिजल्ट क्या देता है राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पानी की बॉटल ली आपसे mm. तो एक हो सकता है कि आप पानी की बॉटल बेच रहे हो mm. या एक हो सकता है प्याज बुझा रहे हो दोनों mm. तो में डिफरेंस है।, है सेम चीज पर डिफरेंस है राइट right? वो सोच का डिफरेंस गॉट मी टू तो क्रॉड्स और वो सोच का डिफरेंस ये था कि यार इंस्टेड ऑफ मैं कुछ बिजनेस की नॉलेज दे दूं किसी को या डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूं इसके अलावा वो चेंज हुआ इस पर यार ये बिजनेस दस लाख रुपए महीना कर रहा है इसको मुझे ना अठारह लाख पे लाना है छह महीने के अंदर अब hmm. उसके लिए कुछ भी जुगाड़ना पड़े एंड दैट्स वेर आई रियली स्टार्टेड टू डिक डाउन इनटू डीप स्किल्स कि यार ये बटन का कलर यहाँ से चेंज करो ये हेडलाइन में ये चेंज करो हेडलाइन में फॉन्ट बेस्ट काम करता है hmm. यू में यही होना चाहिए ठीक है पेज इसी साइड पर बनाओ इस साइड पर मत बनाओ वो hmm. जब टेक्निकलिटीज़ में आप घुसते हो ना तो नाउ यू कैन चार्ज मच मच मोर बिकॉज आप एक शॉर्ट टाइम में एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे रहे हो किसी को राइट hmm. right? अगर आप नॉर्मल की बात करो वाई दे कैन चार्ज सो मच इज बिकॉज रिजल्ट बहुत बड़ा दे रहे हैं वो कम्पेड टू एनी अदर कॉलेज राइट अब वहीं पे एक बात आती है कि बहुत छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो भी करोड़ों में लाखों में कमा रहे हैं hmm. तो वो कैसे कर पा रहे हैं जबकि वो तो आ, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन भी नहीं करते या इतना ज्यादा रिजल्ट भी प्रॉमिस नहीं कर रहे बिकॉज उनका टाइम ड्यूरेशन छोटा है वो वीडियो एडिटिंग आपको पैतालीस दिन के अंदर मास्टर बना देंगे तो hmm. तो या तो आप टाइम ड्यूरेशन छोटा कर दो या फिर आप जो रिजल्ट है उसको बढ़ा दो इन दो चीज चीजें एक चीज करोगे तो सामने वाला बोलेगा इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है और जहां वो अपने वैल्यू क्रिएट करें उसका पैसा तो नहीं है राइट फॉर एक्साम्पल आपके एक थर्टी सेकंड का मैं वीडियो देखू तो उसमें पागल नहीं हो जाऊंगा राइट बट वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में मिला है सो इट्स वैल्यू फॉर मी या फिर आपका मैं एक घंटे का पॉडकास्ट देखू राइट उससे टाइम ज्यादा लग रहा है बट रिजल्ट भी बहुत ज्यादा है नॉलेज भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है सो so, बीच की चीज काम नहीं करेगी या तो क्टेंस एक्सट्रीम से खेलना पड़ेगा तो टाइम बहुत कम करते हैं रिजल्ट बहुत बढ़ा दो सो hmm. so, जो मैं कोर्स बेच रहा हूँ बिजनेस ओनर्स के लिए होते हैं मोस्टली जिसमें हम हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर्स की ऑटोमेशन हो सकता है डिलिवरी हो सकता है सेल्स हो सकता है मार्केटिंग हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है मल्टीपल hmm. फील्ड्स में मेरे टीम मेंबर्स में भी अब कोर्स अपने लेके ले आ चुके हैं एंड मल्टीपल फील्ड ओनली बिजनेस ओनर्स या फिर पीपल वॉन्ट टू ट्रांजेशन इन बिजनेस उन लोग की हम हेल्प करते हैं एक और चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी आपका टिकट साइज जो कोर्स का वो काफी ज़्यादा बड़ा है इनफैक्ट जब हम लोग मैं जब इस मार्केट में आया तो मुझे लगा कि यार पैसे कम रखो ऑडियंस ज्यादा मिलेगी पाँच सौ रुपए हजार रुपये दो लाख रुपए मैंने दो लाख टू लाख प्लस आपका कोर्स का प्राइस है ये कैसे कंक्लूड किया यार इतना महंगा कोर्स ही बिखेगा बिल्कुल सही मैं क्योंकि हम लोग क्या अरविंद भाई आप भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हो मैं भी बहुत हम्बल से आता से तो हमें क्या लगता है यार एक लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है राइट बट right? अगर आप एक सीनियर मैनेजर के पास जाओ किसी कंपनी के जिसका महीने का पैकेज बीस बाईस लाख रुपए का है एंड hmm. उसको अब वो करियर से बोर हो चुका है hmm. उसको बिजनेस चालू करना है hmm. उसके लिए दो लाख रुपए इज नथिंग

राइट right? अगर ऑडियंस में उतना दम नहीं है तो फिर पाँच हज़ार सेल भी लिया हो, कोई मतलब की नहीं है ट्रू राइट सो मेरा जो टारगेट मार्केट है दोज आर पीपल हु ऑलरेडी हैव चंक ऑफ मनी और आर स्पेंडिंग यूथ चंक ऑफ मनी इन दर एजुकेशन एंड हैव ग्रोथ माइंड सेड एन ऑल वो मेरा टारगेट मार्केट होता है उनके लिए दो लाख रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती राइट right? बट अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे से बात करूँ जो अठारह अच्छा साल की उम्र में जिसको क्विक मनी कमाना है उसके लिए पाँच सौ रुपये बड़ा इन्वेस्टमेंट है ट्रू राइट सो वो

पांच एक हफ्ते में करने के लिए पांच टास्क करने बस छह महीने बाद अगर आप एटलीस्ट डबल इन्वेस्टमेंट करती है दो लाख नहीं, नहीं।, नहीं वो भी जुगाड़ेगा राइट आपका ऑफर क्या यार मतलब आई यू क्रिएटिंग वैल्यू और मैं मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ मतलब मुझे प्रोडक्ट में दम लगेगा क्योंकि अगर पचास लोगों ने भी मनी बैक मांगा तो एक करोड़ का लॉस है एक करोड़ का लॉस इज नॉट छोटा लॉस तो क्या आपके प्रोडक्ट में इतना दम है कि आप हाँ सामने बोल सको कि हाँ भाई

रिफंड दिए दिए बिल्कुल छह रिफंड दिए आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स राइट मैं इसमें हाई टिकेट बात करो अब नाइनटी नाइन रुपीज की वर्कशॉप में मैं रिफंड ज्यादा दूंगा बट मैं हाई टिकट जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है लाइफ चेंजिंग जिसको हम बोलते हैं लिट वु चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर लाइफ उसके मैंने छह रिफंड लाइफ में ढाई mm. साल में मानता हूँ बिल्कुल दिए

राइट right, तो मेरे लिए एक वो बात थी कि यार ये क्यों करूँ मैं सेकेंडली mm. uh, मैं क्योंकि एक बहुत पेस्टिजियस स्कूल से आता था मेरा कॉलेज इतना प्रेस्टीजियस नहीं था क्योंकि अब फादर पे कितना लोन लेंगे तो uh, प्रेस्टीजियस कॉलेज नहीं था तो वो नेटवर्क भी चला गया सो नॉम लाइक ये mm. लोग भी नॉर्मल है लाइक like, वो इनसाइट नहीं है इनके पास mm. आठ घंटे में बर्बाद ही कर रहा हूँ सो mm. so, फैमिली को बोला यार ड्रॉप आउट करना है पर ऑफविस इंडियन फैमिली ड्रॉप आउट कैसे कर लोगे मेरी मदर सी ए हैं प्रैक्टिस करती थी टाइम पर अब नहीं करती हाउस वाइफ गई फादर का बिजनेस था तो ड्रॉप आउट कैसे कर लोगे आप तो पॉइंट ये था कि प्रूफ करो तो जितने मैंने इतने सारे बिजनेस किए थे ना तो मैं पैसा कलेक्ट करता था तो एक एस बी आई की के नाम की चीज होती मुझे पता नहीं हर जगह है कि नहीं हमारे उधर एक एस बी आई की के अकाउंट खुला था तो वो क्या होता है एस है एस बी आई अपनी ब्रांचेस हर जगह जिसमें हम जाके सब करते हैं एक एस बी आई की एंड दैट इज फॉर वेरी पिछड़े हुए एरिया जहां पे आप जाओ और वहां पे अगर कोई आसपास ब्रांच नहीं है या ब्रांच खोलने की जगह ही नहीं बची प्रॉपर्टी नहीं है तो एक बहुत छोटा सा कि के अकाउंट खुलता था वहाँ पे ना बैठने की जगह होगी ना कुछ होगी एक बंदा बैठा होगा वही सब करके देगा आपको राइट तो मुझे ऐसा देखा ये क्या नया कुछ खुला एस बी आई तो मैं चला गया बात करने तो बोले आप अकाउंट खुला सकते हो ये कर सकते हो बैठा का हो चुका था जब बोला यार एक अकाउंट खुला देते किसी को बिना बताए तो नंबर था आधार कार्ड था सब था लगाया बैंक खुल गया मैंने बोला कि अब इसमें लिमिट कितनी होती मिनिमम बोले दो hmm. अरे दो हजार तो लाने पड़ेंगे ना तो मैं गया घर hmm. दो हजार रुपए लाया मतलब ला यार ये जमा कर लो आप बोले ठीक है दो हजार रुपये हो गए मतलब कितना जमा कर सकता हूँ आपको जितना करना बोला कुछ ऐसा रिटर्न बोले ये जो परसेंटेज मुझे याद नहीं है जो भी आ, फिर बढ़िया है चीज़ थी वो मेरे स्कूल और कॉलेज के रस्ते में आती थी क्योंकि बस स्टॉप होता है ना तो बस स्टॉप तक जाओ बस स्टॉप से वापस आओ तो बीच में जगह आएगी तो मैं क्या करता था कॉलेज गया कुछ कमाया या दोस्तों से डील डीलविंग थी जो भी बाहर आया आया उसमें डालते हुए घर आ गया घर घर पे कुछ धंधा किया दोस्तों से कुछ धंधा किया वहां तो डालते हुए चले गए वो करते 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 उस अकाउंट में सवा दो लाख रुपए दो लाख रुपए को जमा कर लिए होंगे मैंने चार साल के पीरियड में तीन साढ़े तीन साल के पीरियड में तो मैंने घर पे दिखाई सबसे पहले तो ये रहा कि मैंने ये कराए

वंडरफुल ठीक है तो घर वाले खुश कि कोई दिक्कत नहीं, नहीं। तू कर सकता है तेरा तूने ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया प्लस तूने अभी भी हमें करके दिखाया तो तू बिल्कुल कर तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है प्लस घर पे फाइनेंशियल कंडीशन भी थी तो दैट आल्सो क्रिएटेड दैट सिनैरियो तो ड्रॉप आउट लिया उस टाइम भी मेरी कंपनी फेमिली चालू हो चुकी थी फिर फिर अब चालू हुई और मैं प्रॉपर फिर स्टार्टअप में घुसा उसके बाद राइट और स्टार्टअप से बोर होने के बाद मैं जॉब में गया फोनपे में काम किया फ्लिपकार्ट में काम किया बीपीए में काम किया था कॉलिंग की आदत लगी फिर वहाँ से मैं जो बिजनेस कोच के अंदर काम करना चालू किया एंड देन द कंपनी स्टार्टेड कोविड

पर आप अपनी पीक एनर्जी जिसमें वो बच्चा बिलीफ डेवलप करेगा जिसमें वो बच्चा अपने नए परस्पेक्टिव बनाएगा जिसमें वो बच्चा नए लोगों से मिलेगा जिसमें वो बच्चा दुनिया देखेगा उस टाइम पे उसको वहां की उइट और उसमें उसका अगर वो चार साल आपने बर्बाद कर दिए टेक्निकली फाइव यूज अ वर्ड तो आगे का तो आपने बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही कर दिया क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम कम हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया खुद से विश्वास खत्म हो गया सुसाइड करने का थॉट सारे डिप्रेशन में बंदा चला गया डिस्ट्रैक्शन में पूरी दुनिया उसकी तो ये आगे का तो पूरा खत्म और फिर जब बाहर निकला तो ऐसे माइंडसेट से निकला कि जहां पर उसको जॉब ढूंढनी है जिसमें करोड़ों लो, करोड़ों लोग लगे हुए हैं करेक्ट मैं लकीली खुद को मानता हूं कि मेरा नेटवर्क पहले अच्छा था। ये दोस्तों से जो जिनने सिखाया और उसके बाद जो जो ये नेटवर्क था तो जब मैं कॉलेज में आया तो वो छह महीने के अंदर इंपैक्ट किया नहीं मेरे को क्योंकि मैं चार साल से वो सीख रहा हूँ और क्योंकि छह महीने बाद निकल गया वहां से तो मेरा माइंड सेट वो टूटा ही नहीं राइट तो जो बोलते ना यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू हैंग अराउंड विद हैं अच्छा एक और चीज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे आपके टिकट साइज पर आते हैं वहां पर क्योंकि इतना आसान नहीं है कि कोर्स के लिए आप दो लाख प्लस जीएसटी चार्ज करो लोग दे दें और एक कंक्लूड करना भी आसान नहीं है तो जब बात कर था थे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि मैं पहले जब दस हजार रुपये चार्ज करते तो इतने बेचते थे है ना तो मुझे वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को बताओ तो जो आपने बताया हम परसों बात कर रहे थे कि यार जब मैं ना दस हज़ार रुपये चार्ज करता था बारह हज़ार चार्ज करता था उस चीज़ के तो लोग है ना उसकी वैल्यू नहीं करते थे राइट उनको पहली बात लगा ये बच्चा है प्लस मेरे पास दिखाने को कुछ चीज़ है नहीं लाइक like, ना महंगे कपड़े ना महंगी गाड़ी ना महंगी गाड़ी ना बड़ा घर ठीक है प्लस ये बच्चा है प्लस ये ड्रॉप आउट है ठीक है इसके इतने स्टूडेंट्स भी नहीं है नहीं। तो इसको पैसा दे क्यों तो क्रेडिबिलिटी एक फैक्टर आता था दूसरा जो देते भी थे वो अप्लाई नहीं करते थे लेकिन मुझे लगता था अरे यार क्यों रिस्क लू मैं दस हजार दिए छोड़ो ना क्यों कोर्स कम्प्लीट करना क्यों उसकी जो बात बोली वो अप्लाई करूँ जी जी चलती थी तो वहां पर मैंने फिर एक चीज समझी कि आ, आपको एक चीज मेरी एक बहन है राइट उसका नाम है सोरांजलि तो सोरांजलि और मैं एक बार जा रहे थे तो हमने एक बहुत सुंदर पर्स देखा राइट तो दीदी बोला यार ये लेता मैं बिल्कुल लो कोई दिक्कत नहीं तो जब लेने की तो प्राइस पूछ के आई ये बोलती नहीं यार रहने दे तो बोले क्यों बोले सात सौ का है बढ़िया है ना सात सौ का ले लो यार क्वालिटी शायद उतनी दमदार ना हो सेम बैग सेवन डेज आफ्टर इन पुणे मॉल Hmm. And the same bag, अब मुझे क्वालिटी तो मैं नहीं नहीं बता कि मैंने टच किया मेरे को एक चेंज हुआ मेरा दीदी hmm. -दी उसको कैसे रखेगी बैग में रैप करके राइट hmm. right, अलमारी में दो सौ रुपए वाला बैग पड़ा हुआ है कि उनको फर्क भी नहीं पड़ता धूल खा रहा है, hmm. right? है राइट एंड ये चीज में कंसल्टिंग इंडस्ट्री में लगा लगाओ तो एक्चुअली इट वैल्यूज बिकॉज उसमें तो आप एक मटेरियल थिंग की वैल्यू कर रहे हो इसकी टेक्निकली कोई कीमत नहीं है बट नॉलेज की वैल्यू है मेरी नजरों में mm. इसकी तो लिटरली इज्जत करो भाई लाइक भगवत गीता अगर तुम मंदिर में रखते हो तो आप पेजेस की नहीं कर रहे हो वैल्यू आप नॉलेज की वैल्यू कर रहे हो राइट mm. right? तो अगर मैं कंसल्टिंग इंडस्ट्री में कॉन्सेप्ट लगाता हूँ देन आई कैन एक्चुअली हेल्प पीपल एंड ऑल्सो मेक प्रोफिट्स ऑन द सेम एंड राइट क्योंकि आप ज्यादा पे करो तो मेरे मार्जिन ज्यादा है मैं ज्यादा स्पेंड कर सकता हूँ आपको एक्वायर करने के लिए सेकेंडली ये है कि आप आप में really क्रिएट अगर दो लाख रुपए दिए ना सर मैं बता रहा हूं लोग जान लगा उस चीज को अप्लाई करने के लिए और वो लोग अलग माइंड से भी आते हैं कि यार मैंने दो लाख रुपए दिए दिया सीरियस फॉर दिस गेम मैं से खेलने नहीं आये हूँ पांच हजार दस हजार रुपएस हूँ इस गेम के लिए उनको रिजल्ट लेने मजा आता है अंदर से कि जो आप बोलो और वो अप्लाई करे दो लाख रुपये जब आप चार्ज करो तो का बहुत है। Correct. Correct. क्या दे रहे हो उसको कैसे किया? यार ये बहुत सालों की प्रैक्टिस है साढ़े तीन सौ लोग इस प्रोसेस से गए होंगे चार सौ पांच सौ लोग इस प्रोसेस से प्रसर डिफाइन होकर अब निकला ऐसा कि इसको अब लाखों में लोग पसंद कर रहे हैं लाइक like, मैं आपको एक बात बताता हूं अगर 2000 लोग रूम में 1800 कुछ लोग रूम में थे जिसमें से 150 से 160 लोगों ने मुझे टूक टेंटी थाउजेंड प्लस जीस दिया जो कि 3.8 करोड होता है दैट मीन इन थ्री रिकॉर्ड मैंने बनाया थ्री पॉइंट एट प्रॉफिट इन थ्री इयर्स वो इसी बात बना

जो लोगों लोगों की की साल दो साल चार साल पांच साल वो भी एलीट लोगों की कमाई होती है और ये प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं हाँ, ये प्रॉफिट है, है। अब, अब, right. so, रेवेन्यू hmm. जो लोग यहाँ बाकी बैठे थे सोलह सो पंद्रह सो उनको वैल्यू मिली कि नहीं hmm. मैंने वहां पे बस एक डाला कि गाइस ये एक फॉर्म है अगर आप टेस्ट देना चाहते साढ़े तीन सौ लोगों ने मुझे तीन से चार मिनट का वीडियो भेजा ऑफ हाउ वैल्यूएबल वाज दैट सेशन सो फाइनली मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो ये कि आज के टाइम पे सबसे टफ जो भी है कि टीम बिल्ड करना और उसमें भी ट्रस्ट वर्दी लोगों को यू नो हायर करना यू ट्रस्ट मुझे लगता है ट्रस्ट स्किल से भी ज्यादा महंगा इनफैक्ट सबसे महंगा ट्रस्ट ही है तो यार पहली चीज तो मुझे समझ में आती है कि किसी इंप्लॉय को अगर इतना बड़ी इतनी दूर तक आप सोच रहे हो लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली उस उस पर उसने आपका ट्रस्ट जीता है लेकिन उसके अलावा चार क्वालिटीज़ ऐसी क्या थी स्पेसिफिकली उस लड़की में जिसको आप इतना ग्रोथ दे रहे हो उसके अलावा क्या ऐसी चार चीज़ें उसने शो करी कि आप उसको इतना ऊपर तक लेके जा रहे हो राइट सो जो लड़की है उसका नाम वैशाली चौटालिया इज ट्वेंटी इयर्स ऑफ एज आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा बैक एंड क्लोजेज नाम की कंपनी इसकी वो सी ओ है राइट okay. right? um, जो चार क्वालिटीज मैंने उसमें देखी फर्स्ट इज एज यू पांच क्वालिटीज में द फर्स्ट इज ट्रस्ट एंड लॉयल्टी इन ऑल दिसकेंड इज कोचेबिलिटी द वो लड़की मुझको कभी क्वेश्चन नहीं करती कि आप मुझे ये क्यों बोल रहे हो like, लाइक उसको मैंने एक बार एक चीज बोली थी एक काम करना mm -hmm. सुबह उठते तीन पेज इस किताब पढ़े हुए चाहिए mm -hmm. आज तक उसने क्वेश्चन नहीं किया mm -hmm. क्यों उसको खुद को नहीं पता वो क्यों कर रही है mm -hmm. उसने राइट की mm -hmm. right? आप एक सरेंडर करके गेम खेल रहे हो कि नहीं यार कर रहा है नहीं मेरे भले के लिए कर रहा है तो दोनों साइड से ट्रस्ट इट्स नॉट

अब मेरे से उसने पूछा ये रीजन क्यों आपने क्यों करवाए बहुत टाइम बाद मैंने पूछा ये आपसे इसलिए करवाया गया जिससे आप जब अपनी कंपनी खोल रहे हो बड़ी कर रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि पहले दिन झाड़ू आपने लगाई इस ऑफिस की क्योंकि आप सीईओ बनने वाले इस ऑफिस की राइट अब तो, तो हाँ सही किया आपने राइट तो एक सरेंडर वाला चीज राइट कोचेबिलिटी हार्डवर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि तुम्हें मेहनत नहीं तो आओ मत मेरे पास सबसे पहले मेहनत नहीं हो तो मेरे, मेरे आसपास भी मत भटकना भाई रहने दो mm. हम खून पसीना एक करके काम करने वाले लोग हैं mm. अगर वो तुम्हें नहीं है प्लीज मेरे पास मत आओ ठीक mm. है um, then one thing come is mm. कि क्या तेरे आसपास जो लोग हैं वो तेरे को पसंद करते हैं एज अ पर्सन नॉट बिकॉज ऑफ योर और बट बिकॉज एज अ पर्सन यू आर राइट अगर तेरे आसपास बोलते खड़ूस है बेकार है काइंड नहीं है हम्बल नहीं है

कोई खत्म ही नहीं है मेरा कस्टमर ऑब्सेशन भी इन गेम है। hmm. तो मनी विल एम्पलीफाई कस्टमर ऑब्सेशन मनी विल एम्पलीफाई मनी विल एम्पलीफाई राइट तो सिंपल सा गेम है आप एम्पलीफाईटल नहीं हो तो आप इकोइ हो मनी उसको एम्पलीफाई कर देगा hmm. तो जब पैसा आ जाएगा ना तो आप आपसे अकड़ू इंसान कोई नहीं मिलेगा <laughs> तो मेरा गेम ये है कि hmm. यार आप बेसिक तुम्हारी वैल्यूज सेट है कि नहीं hmm. मैंने मत साल लोग ठीक भी करी है वैल्यूज आई वुड से बट मैंने तो नहीं करी उन नहीं करी है बट मैंने उनको गाइड किया उस प्रोसेस में

करेंगे हमारे पास पैसा इतना चुका है कि मुझे टेंशन नहीं कमाने टीम इतना टेंशन नहीं कमाने की कैश रिजर्व उस पर ही हम इन्वेस्टमेंट कर लें तो हमें कोई टेंशन नहीं जीवन की पराई डू वर्क डे एंड नाइट नाइटिसकॉज उस सर्विस से कहीं ना कहीं वो फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है वो गोल जो वो विजन लेके हम चलें दैट विजन कैन ओनली भी अचीव थे ओनली वन थिंग विच इज एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री आई बिलीव दैट और वो करप्ट है तो पूरा गेम करप्ट है hmm. वो सही कर दी तो सब एक्सेल कर जाएंगे hmm. क्या बात है तो पांच चीजें आपने बताई आप मुझे दो चीजें ऐसी बताओ जो एम्प्लॉई में अगर आप देखते हो तो आप फायर कर देते हो तो जाओ आई विल से एक होता है छूट बोलना भले hmm. वो छोटी सी चीज पे हो hmm. छोटी सी चीज बोले तो की आ, मैंने बोला कि अरे वो कांच हाँ सर कर दिया था, hmm. हाँ, कर दिया था? Hmm. मैं देखा गंदा है है बोला ये तो गंदा है। अरे हाँ सॉरी बोलिए hmm. ये चीज भी मुझे करती बिकॉज आई नो मनी विल दिस राइट सो मैं ये हुआ लाइक like, चलो समय आ चुका है आपका hmm. दो तीन मॉर्निंग और एन यूर आउट लाइक वैसा वाला गेम है राइट right? क्योंकि हो सकता है भाई याद सही में याद ना हो मे बी दो तीन मॉर्निंग राइट बट अगर मुझे रिपीटेड भी किसी में दिखता है आई एम लाइक बाय Not care. Hmm. Second, hmm. if you're not customer obsessed, then you are out from my company. You can't be over here. If you're not customer obsessed, okay, then you can't be in my company hmm. because तुम यहाँ like culture को पसंद ही नहीं कर पाओगे, right? Uh, customer option speed के hmm. साथ. So ऐसे like, नहीं customer option में एक ही customer में लगे हुए. It's like speed के साथ कितनी जल्दी result और कितनी जल्दी लोगों को impact कर रहे हो आप. राइट right? तो वो स्पीड वाला अगर वो स्पीड नहीं है और वो कस्टमर ऑब्सेशन नहीं है देन आप टिक खुद नहीं टिक पाओगे लाइक hmm. मेरे को तो फायर नहीं दूर किया तो खुद नहीं टिक खुद ही बोलोगे पंद्रह दिन बाद मैं नहीं कर रहा काम क्योंकि मैं स्पीड बहुत ज्यादा है hmm. लेकिन जिस स्पीड में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं सर्विस लॉन्च करते हैं ये करते हैं आप hmm. सोचो दो साल पहले एक कमी चालू ढाई साल पहले कंपनी चालू करी नौ महीने पहले बैकिंग क्लो चालू करी तीन महीने पहले सॉफ्टवेयर कंपनी चालू की सॉफ्टवेयर के अंदर एट प्रोडक्ट्स है कंसल्टिंग कंपनी का अलग गेम इसके अंदर अप्रॉक्सिमटली अभी मुझे याद हो रहा हो तो एक प्रोडक्ट्स हो चुके हैं हमारे राइट सर्विस बेस्ड कंपनी है वो अलग चल रही है सो इट लाइक इतनी सारी चीज़ें वो स्पीड पर ही करनी पड़ेगी वरना हार जाओगे ट्रू राइट और जितनी जल्दी अभी चीजें आ रही है जीपी ये वो इतनी चीजें आ रही हैं इट्स वेरी हार्ड टू कंपीट इफ यू डोंट हैव स्पीड मैं पूछना चाह रहा था जनरली लोग एड्स पे ना फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड पे भी रिलायक करते हैं करे? आपको उसमें क्या खामियां दिखती हैं दो, दो मेजर चीज़ें जो आपको लगती कि है कि यार काम का नहीं है फेसबुक एड्स पहला उनका एड अकाउंट ब्लॉकेज हिस्ट्री और सपोर्ट बहुत सपोर्ट बहुत लगी है पहला तब आपको तब ये फील हुआ होगा <laughs> और दूसरा ये है कि अब मैं ये बोल रहा हूँ अकाउंट प्लीज बंद मंद करना बट एनी दूसरा है कि इनका सपोर्ट है और दूसरा सिस्टम्स आर नॉट वेरी मच प्लेस एंड आई थिंक फेसबुक as a company is confused right now आई मे बी रॉन्ग मतलब मैं बट आई थिंक द कंपनी इज कंफ्यूज एज ऑफ नाउ बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी द फीचर्स विच टेक द विजन ऑफ द्लीट डिफरेंट डायरेक्शन यूट्यूब पर क्लियर हम सर्च इंजन है भाई

आपका बेटा है hmm. या मेरा बेटा है इफ सिट्स ऑन यूट्यूब फॉर आवर्स आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज मुझे पता है मान लो घंटा टाइम पास करने वाला है लेकिन दो घंटे तो कुछ ना कुछ तो देखेगा ऐसा जो कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ाएगी कहीं ना कहीं फेसबुक को कंप्लीट जीरो होने वाला है मुझे मालूम है वो आठ घंटे ही बर्बाद है राइट hmm. right? अब यंग जनरेशन है आप उनसे मोबाइल नहीं छीन सकते आप उनसे लैपटॉप नहीं छीन सकते आप जितना ट्राई कर लो टू कीप की मोबाइल बट दैट इज समथिंग दैट दे वुड नीड इन ऑर्डर टू कम्पीड विद द मॉडर्न वर्ल्ड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भले आपको अच्छा लगे ना लगे और अगर ऐसा केस है तो आई वुड वॉन्ट माई किड टू चूज अ प्लेस दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर हिम इन द लॉन्ग टर्म क्योंकि वो देख सकता है मैं देख सकता हूँ वो नहीं hmm. और वो करने के लिए आई नो यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेस फॉर हिम टू गो नॉट फेसबुक सो द द द क्वेश्चन इज 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 वुड यू टू आंसर नो कंपनी नॉट गुड चलो आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं थोड़ा सा बहुत सारी बिजनेस की बातें कर दी बहुत सारी एक्सपर्टीज आपने बता दी क्रेजी आई मीन बाई रियली अप्रिशिएटेड थैंक यू सो मच ये जो चौबीस घंटे होते हैं पहले तो मैं जानना चाहता हूँ चौबीस घंटे में ये बिज़नेस और ये जो यू you नो know, ये मुझे ये क्रैक करना है ये uh, क्रोड्स ऑफ रुपीज की डील क्रैक करनी है उसके अलावा हिमांशु अग्रवाल और क्या करता है हिमांशु अग्रवाल वाल क्यार तीन सिंपल फैशन है पैशन तो नहीं बोलूंगा बट तीन सिंपल चीज़ों uh, में लगाता है फर्स्ट इज़ चेस तो मेरे फोन में अगर मैं टाइम पास करूँगा तो मैं चेस खेल रहा हूँ मेरे कंप्यूटर वगैरह में टाइम पास करूँ तो चैस खेल रहा हूँ सो दट फर्स्ट थिंग आई लव चेस अब लोग बोलते हैं अरे वो भी दिमाग लगाने की चीज़ें कोई ऐसी काम है बिना दिमाग लगाने वाला है सो सेकंड थिंग आई लव इज नूकर सो पूल स्नूकर जो जो भी हिलता है मैं स्नूकर बहुत पसंद था मैं स्नूकर खेलता हूँ इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग गेम फॉर मी मुझे बहुत मजा आता है वो करने में ऑल दैट um, किताबें पढ़ना कैन बी वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू बट वो कैन दिमाग लगाने वाला था तुम तो उस कैटेगरी में नहीं डालता mm. um, वन मोर थिंक दट आई आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाव एज पार्ट ऑफ माई लाइफ इज इजिंग लाइफ कीम आई एम डेटिंग होम आईम टॉक टू होम आई एम लिस्निंग टू मेरे फ्रेंड्स को आसपास राइट तो मतलब मेरे को सिंपल है कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के चिल कर रहा हूँ ना यार मतलब हम ना ऐसा नहीं कि दारू पी रहा है कुछ करें हम एक डाइट कोर्ट पर बैठे हुए एक रेस्टोरेंट में तीन घंटे बैठे बस मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ जो तीन साल आठ साल पुराना दोस्त है मेरा दैट इज समथिंग दैट आई क्रेव फॉर राइट नाउ बिकॉज उसके लिए वो टाइम नहीं बचाए एक टाइम पर वो लग्जरी होती, अभी लग्जरी लाइफ की एक टाइम पे डोज होता है mm. तो दैट इज द थिंग आई द्रे फॉर एंड हिमांशु हिमांचल इज नथिंग बट बट साइंटिस्ट इज द बेस्ट वे टू बुट मी वो पैसा लगे खत्म हो चुका है मेरे लिए इट्स मोर ओवर द आहा मोमेंट द क्यूरियोसिटी, क्या नया इसमें यह क्यों होता है

वो बंदा मतलब ऐसा फ्लैट में बैठा है महीने का तीस हजार रुपये कमा रहे होंगे चालीस हजार राइट मैं उसको बोल रहा हूँ एक क्लाइंट की डील आई क्लोज नहीं हुई mm. उस टाइम तो क्लोजिंग सीख रहे थे। mm. एक दिस इंडस्ट्री में ना राज करेंगे भाई mm. और ऐसा यू वो ये डील क्लोज कर लो mm. फिर बात करेंगे अपन बात की पर उसके लिए मजाक था पर मैं सीरियसली बोल रहा था राइट एंड इफ मीट टूगेदर इज लाइक कर रहे हो

क्योंकि फैंसी लाइंस में ना मुझे बड़ा फैसिनेट करती है हर्षद मेहता की वो स्टोरी 1992 की वो सीरीज मैंने देखी लिटरली like, मेरे लिए विलन नहीं है वो hmm. चाहे उसको किस भी वे में लोगों ने पोर्ट्रे किया बट ही वाज अमेजिंग तो उसकी लाइंस मुझे आज भी याद है एंड वो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा यू वर सेइंग लाइक मतलब बिल्कुल वाइब सेम वाइब पे हम पर एकदम सेम वाइब पे बताओ तो वही की स्टॉक मार्केट डंडी बची है तो मैं नाम, नाम पर डंका बचता है ये मुंबई है मेरे दोस्त यहाँ पे सब बदल जाएगा पर दरिया सेम रहेगा तो मैं स्टॉक मार्केट का दरिया हूँ किसी में दम दमक आके चक एंड ये लाइन आई थिंक मैं कल ही कनिष्का बोल रहा था कल ही मैं बोल रहा था मतलब ऑटो में बैठे थे एंड चीज़ लाइक कि अरे यार ये ना ये बंदे ने तीन नए नाइफल लॉन्च करें तो ये होने वाला है मतलब सुनो मैं ना इस इंडस्ट्री का दरिया हूँ इसमें दमो थोड़ा आके नमक चकले उट hmm. <laughs> well, so, uh, well, hmm. है कुछ लोग यार ईगो नहीं है मतलब hmm. मैं ऐसा नहीं है तुम्हें नीचा दिखा चाह रहा हूँ मैं खुद को पावरफुल बनाना ah. लेकिन दो अलग चीज है hmm. एक लोग लगता है तो हमको नीचा दिखा रहा है नहीं भाई hmm. मैं खुद की नजर में तुम्हारी नजर में नहीं, नहीं खुद की नजर में खुद को ऊंचा दिखाना चाह रहा हूँ ऐसे लोग समझते नहीं है उनकी थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है ना मैं अपने लेवल को लिवरेज कर रहा होता हूँ कर रहे मैं

पता नहीं क्यों रोते हैं, पर वो रोते हैं ठीक है तो आप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ दो तरह से आपका रोना पूछूंगा पहला जब आप बहुत फूट फूट के रोए और रीज़न रहा होगा एक आ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको दर्द दिया वो मोमेंट बताओ फिर दूसरा मैं आगे पूछता हूँ जितने भी लोग मुझे जानते हैं बिकॉज पीपल इन दिस रूम इन दिस रूम आर सिटिंग हु नो मी एंड ट्रस्ट मी दे ऑल्सो नो दैट आई हैव ओनली क्राइड ऑन वन थिंग इन माई लाइफ एंड दैट इज माइन टीम मेमर लीव्स मी एंड टीम मेबर मतलब ऐसा नहीं कि कोई ब्लू कलर इंप्लॉई लाइक को सपोर्ट वाला बंदा छोड़ गया ऐसा कुछ बट द पीपल आई ट्रस्टेड एंड हुव कम टू अ लीडरशिप रेशन पोजिशन माई कंपनी आई एनली क्राइड दैट टाइम एंड माई टीम मेम्बर सी माइड ओनली देट टाइम एंड मेरी फैमिली ने मुझे तभी रोते हुए देखा है बट तभी रोते हुए देखा जब मेरा कोई टीम मेबर नहीं छोड़ गया उसके अलावा आई नवर क्राइड इन बिजनेस और एनी सिनारी बट ओनली क्राइड जब कोई टीम मेबर छोड़ गया जिसमें मैंने ट्रस्ट किया पता है लोग इस चीज़ को फील नहीं करते पर होता है ऐसा जिस जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना मतलब टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत शिद्दत से मैं बोलता हूँ कि यार मेरी फैमिली मेम्बर तो पहले मेरे को बड़ा दुख होता था कि यार ये छोड़ के चला गया बहुत दुख होता था कि यार इसको इतने यू you नो know, इतना सिखाया इतना किया ल, चला गया है लोगों को वो दूसरा एंगल कभी पता भी नहीं लग पाएगा हम घर जाके उसको बहुत सोचते हैं रात रात भर नींद नहीं आती कि यार वो बंदा कैसे छोड़ के चला गया दुख भी बहुत होता है कई बार मैं कई लोगों के लिए रोया भी हूँ कि वो कैसे छोड़ के चला गया बट अभी ऐसा हो गया है कि यार आदत सी पर पर हो गई है अब ठीक है कोई बात नहीं अब जाएगा पर उसको जिस दिन रियलाइज होगा वापस भी आएगा तो बट uh, ठीक है ओवरऑल चलता रहता है ऐसे अब फाइनली क्रेजी मैन बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिली पर्सनली बहुत सारी चीजें हमने जानी हिमांशु के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अब करते हैं खत्म अब आते हैं हमारे फेवरेट राउंड पर जिसका नाम है रैपिड फायर ओके

Um, in this age, it is इट uh, and Nikhil निखिल zero जीरोधा से एंड कुना शाह इन इंडिया इफ यू वॉन्ट टू लुक I look up to टू uh, Elon Musk and I look up to Steve Jobs. एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको घटिया लगता है टिकटॉक ये वाला टाइप्स एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत अच्छा लगता है आपको लगता है कि यार ये फ्यूचर है यूट्यूब एक ऐसा स्टार्टअप इंडिया का जो आपको लगता है कि वो वाकई में बहुत अच्छा कर रहा है जीरो था एक ऐसा स्टार्टअप जो आपको लगता है ओवर रेट है और इंडिया में फालतू में चल रहा है um, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा बट एनी वेज आई से कम ऑन डूड नो आई एम थिंकिंग कि उसका कोई कंप्यूटर है जो इवन वर्स कर रहा है क्या मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे कुणाल शाह ना

एक ऐसा कोई ट्रेंड है जो कि आपको लगता है कि आ, आ, वो कहीं ना कहीं फेवर कर जाता है बिजनेस को हाँ जैसे hmm. अभी चैट जीपीटी चल रहा है तो जीपीटी hmm. के जो कोर्सेज वो सब प्रॉफिटेबल है hmm. फ्रंट एंड पे hmm. तो ऑब्वियसली जो मार्केट में ट्रेंड होता है वो हर इंडस्ट्री को बेनिफिट करता है hmm. तो इस इंडस्ट्री में भी सेम ही रूल है आपको कब पता लग जाता है कि आपका जो आइडिया है बेसिकली वो हिट करेगा और विनिंग सिचुएशन में डाल देगा बिजनेस को पीओसी के बाद सो आई बिलीव दैट थर्टी सक्सेस स्टोरीज मेक द प्रोडक्ट वायरल अगर स्टोरीज निकल गई उस कोर्स 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 से वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ़ टाइम हिट हिट करेगा अब भले आप फ्रंट एंड वगैरह चेंज चेंज करके उसको तो बेचने का तरीका चेंज कर लो बट वो हिट है क्या आपको लगता है कि कोर्स सेलिंग या या फिर ये जो जो ऑनलाइन भी वेबसाइट बनाते हो या वेब पेज,

<laughs> जो क्या आप भी करते हो uh, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है और hmm. मनी so, hmm. hmm. ऐसी एथिकल चीज आपके फील्ड में बाकी लोग नहीं कर रहे लेकिन हिमांशु अग्रवाल कर रहा है मनी बैक गारंटी विद टी एन सी साइन शीट गुड ओके हाउ डू यू हैंडल दिसमेंट इन योर बिजनेस किसी से आर्गूमेंट हो गया तो आप बहस करते रहते हो या फिर ठीक है यार इफ इट्स अग्रीमेंट विद टीम आई लिसन टू द टीम इफ इट्स अग्रीमेंट विद द कस्टमर ऑन डिलीवरी साइड आई लिसन टू हिम पर अगर वैसे बोल रहा है कि सेल्स प्रोसेस चेंज करो आई विल नॉट इफ इट्स अग्रीमेंट विद द कंप्यूटर आई डोंट केयर इफ इट्स अग्रीमेंट विद समवन आई डोंट नो इट्स हेटर या ऐसा कुछ इंटरनेट पे आई डोंट केयर फाइनली ये थे आप कुछ बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन अब थोड़े पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन रैपिड फायर पे चलते हैं व्हाट इज योर फेवरेट फूड इटालियन

इंटेलेक्चुअल थिंग आप उसकी किस बात से इम्प्रेस हुए मल्टीपल वन थिंग दैट इम्प्रेस मी वॉज द स्टाइल ऑफ कॉन्वर्जेशन पैटर्न ऑफ कॉन्वर्जेशन आई वुड से लाइक हर लड़की से जो आप बात करते हो तो टेक्निकली एंड mm. में सेम ही निकलती है वो या yeah, सेम mm. बातों पर mm. उसकी दोस्त ने ये किया फिर उसके दोस्त के पति ने ये किया फिर ये हुआ बट द कॉन्वर्जेशन आई है डिफरेंट था वो कॉन्वर्जेसन में आपने एक दूसरे को पसंद कर लिया और डेट करना ये 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 सो दर्स्ट क्वेश्चन आई है ओनली आई स्टार्ट लाइक पर रिलेशनशिप जो होता है वो कॉन्वर्जेसन से तो चलता है तो स्टार्ट हो सकता है लेकिन चलता नहीं है ना करेक्ट इसलिए मैं डेटिंग नॉट रिलेशनशिप मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है बट बात चल रही है वैसा वाला सीन है हाँ हाँ ठीक है ओके लास्ट वेकेशन के लिए कहाँ गए थे लास्ट वेकेशन के लिए अभी दिल्ली रंधमपुर जयपुर दैन बंगलोर hmm. आपके यहाँ hmm. तो जितना आप अपने अपने बिजनेस में इंटेलेक्चुअल चीज़ें डालते हो इतना स्टडी करते हो इतना घुस जाते हो डेटिंग के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ चल रहा है या फ्री छोड़ रखा है नहीं टोटल ऑपोजिट डेटिंग टाइम आई गो विद अ इज नॉट हैविंग अ बिजनेस मैं लो ऐसा मेरा बिजनेस नहीं है hmm. मतलब मैं वो आवारा लड़का हूं हु इज़ नॉट है तो उसको जब उसको पता नहीं कि आप क्रोर्स ऑफ रुपीज छापते हो नो शी नो शी नोज एवरी थिंग शी नोज माई ब्रांड बहुत ऐसा हुआ है दट वी हैव बी सिटिंग टूगेदर एंड पीपल कम टू टेक फोटोज इन एवरीथिंग शी नो ऑल ऑफ दैट एंड शी रिस्पेक्ट्स ऑल ऑफ़ दैट बट नाउ वी आर स्टॉट गोइंग आउट मोर एंड वी ट्राई टू स्पेंड टाइम प्लेस वेयर पीपल आर नॉट देयर तो कभी कभार ऐसा दिमाग में नहीं आता कि यार शायद वो उस चीज़ से तो अट्रैक्ट हो के नहीं है डेट कर रही है

क्योंकि क्या uh, hmm. wait, था वेटर ने थोड़ी बदतमीजी थी जिस लड़की के साथ मैं था hmm. वो वो मैं था मैं hmm. 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 so, मैं वो लड़की आउट करके कैफे था देर uh, इंदौर की बात है छप्पन दुकान hmm. वो uh, hmm. सामने एक लड़की बैठी हुई थी hmm. और uh, वहां पे वेटर ने थोड़ी बदतमीजी करी भाई थोड़ा आराम से राइट एंड उसने से बदतमीजी भी मुझसे बदतमीजी करी दैट टाइम आई वेट लाइक की

यू नो इंटेंस ड्रामा पसंद है सस्पेंस बहुत पसंद है सस्पेंस बहुत पसंद है योर फेवरेट दिशम दिशम इज लाइक अ गवी बैठा लो वैसा वाला लाइक सस्पेंस अब तो नहीं लगेगा सस्पेंस वाली मूवीज आई लाइक शर्लक होम्स सीरीज में बात करो तो बहुत पसंद है मुझे सस्पेंस होना चाहिए बहुत मजा आता है म्यूजिक कैसा पसंद है म्यूजिक आई लाइक ईदर वेरी हाई वाइब्रेशन और ईदर आई गो भजन साइड लाइक सीधा बिल्कुल भजन एक्सट्रीम मतलब ओवर एक्सट्रीम <laughs> नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मतलब hmm. ऐसे भंज संस्कृत में समझ ही नहीं आ रहे वर्ट इट्स लाइक जो थोड़ा सा फेमस हो जाता है ना भजन hmm. मतलब जो बचपन सुनते आ रहे हैं उस टाइप के आई गो दैट साइड और आई गो इधर हाइपर लाउड म्यूजिकॉमी जैन डिस्क्राइब स्टाइल इन वर्ड क्लासिक बचपन से है फीयर ऑफ अम्बेरसमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि यार बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए बिजनेस कोडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि कभी नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को सेंसलेस है इन द इनिशियल स्टेज एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल आपने अभी तक जितनी जिंदगी जी है उसमें आपका फेवरेट टाइम कौन सा था मतलब कौन सा एज ग्रुप एज ब्रैकेट था वो आपको फेवरेट लगता है आपका निक नेम क्या है पैसा किस चीज पे खर्च करते हैं आपकी कौन सी कार आपको कार है मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में आपकी फेवरेट चीज क्या है मतलब जैसे होते हैं ना बाईस अभी एक बी एमडब्ल्यू बाइक बुक करी है फॉर माई सेल्फ बिकॉज

क्या आपने कभी बिना बुलाए किसी इवेंट में शिरकत किया है कि कि चले गए गए हाँ, हाँ, मतलब शादी शादी हो होती ना अपने शहरों में में तो किसी घुस हाँ, खा है है ऑल ऑफ ऐसा कोई सोशल ऐस मीडिया प्रेजेंस हो जिसकी उस, जिसने आपको आपको किया वो आपको लगता है कि सेंसलेस ही था उससे मीटिंग करना. <laughs> <laughs> Uh, <laughs> मेरे <laughs> बिजनेस पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट तो नहीं बट कस्टमर्स भेज रहे हैं तो बहुत बड़ी mm. प्रॉब्लम हो जाएगी आई कैन नॉट टेक अ नेम ऑन दिस द क्वेश्चन टू बी पास्ट समझ तो जाएगा वो <laughs> समझ गया है वो इतनी देर में समझ mm. चुका है वो ठीक है एक ऐसा यूट्यूबर जो आपको लगता है यार बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा नाम uh, ले दो <laughs> 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 um,

क्या आपने कभी किसी महिला की नकल उतारी है बहुत सो आई डू वेरी लाइक बिबिक्री एंड ऑल ऑफ माय सिस्टर्स एंड ऑल अ लॉट लाइक मेरी बहनें परेशान है ठीक like, है। I, मैं एग्जैक्ट कॉपी करने लगा आजकल अच्छा ऐसा आपकी uh, आपको बॉलीवुड में आपका क्रश क्या है कौन है um, कृति सनन आई लाइक एज एज फेस लुक्स इफ यू से इफ यू से एज एन एक्टर I started liking them, but फिर मुझे उतना uh, मजा नहीं आया विच इज आलिया बट अब हिमांशु मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूंगा वो वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में जो फर्स्ट यू नो आता है ना रिएक्शन क्या सुनते हैं, जैसे गोलगप्पे बोला पानी आएगा तो क्या था? फेवरेट है अभी खा लू ठीक तो क्या रिएक्शन आता है आपको बताना गोड ठीक है पहला सवाल तैयार हो फर्स्ट क्वेश्चन स्टॉक मार्केट exponential startups, growth, girlfriend, PR, inspiration, entrepreneurs, cricket, time pass best friend So, social media, scam, Instagram, time pass, Facebook, good, YouTube growth, your support. मम लव फादर बुक्स थिंकिंग रोल बेस्ट एंटरप्रनर रितेश अग्रवाल अंबानी पैसा अडानी और पैसा इलॉन मस्क क्रेजी रूमर कोचिंग इंडस्ट्री हा कोचिंग इंडस्ट्री ठीक है फैमिली सपोर्ट थोड़ा और डीप डाइव करते हैं है ना नेक्स्ट इज इंडियन यूथ ग्रोथ इंडियन मीडिया फॉल्स इंडियन पॉलिटिक्स नॉट गेटिंग वर्ड फॉर इट

विजनरी एक्सप्लेन करूं तो सिंपल टर्म्स में किम विजन एज दिस पर्सन हैज सो जो अभी इंडिया जा रहा है आई एम लाइकिंग सेम विजन नहीं है बहुत सारा मसाला दे दिया भाई ने हमारा फोडकास्ट बन गया चलो कोचिंग इंडस्ट्री का ये ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री का एक ला है द पीपल वोइंग एक्चुअल मनी Mm -hmm. <laughs> <laughs> ये तो बहुत डीप डाइव कर दिया अच्छा लास्ट फ्यू क्वेश्चन इन दिस ओके हिमांशु अग्रवाल एज एन इन वन वर्ड मैट साइंटिस्ट हिमांशु अग्रवाल एज अ सन केयरिंग हिमांशु अग्रवाल एज अ थिंकर फिलोसफीज हिमांशु अग्रवाल एज एन इमोशनल पर्सन इनसिक्योर हिमांशु अग्रवाल एज अ विजनरी पर्सन क्या सोचता होगा स्किल अब थोड़े और क्वेश्चन है, है ना प्रोबली लास्ट डन आपके स्कूल का कोई क्रश है यस टीचर क्रश नो बस टॉप पे कभी किसी लड़की का वेट किया इंतजार करते करते सर हाँ हाँ ओके आपका फेवरेट एक्टर कौन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सन ऐसा कोई ड्रीम जो पूरा नहीं हुआ और अभी होगा नहीं उसका अफसोस है आपको यस यंगेस्ट पिलेनर ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट अगर आपकी लाइफ में कोई फिल्म बनी हो तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए

वी कैन से डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ आपके दिमाग घूमती रहती है बट आप उसको हावी नहीं होने देते सो so, एक डिस्ट्रैक्शन है बट मैं हावी होने नहीं दे रहा हूँ चेस आपके वॉलेट में इस वक्त कितना कैश है आई डोंट कैरी अ वॉलेट आई कैरी माई फोन विच हैज कार्ड ओके क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आप जी तो क्रेडिट कार्ड को कितना यूज करते हो आप कितना उस वे से आप बिजनेस साइड पे जाओ तो पर डे फाइव एंड हाफ फाइव लैक्स हुँ, हुँ, अगर आप पर्सनल जाओ, मेरी मेरी सैलरी कंपनी पच्चीस हजार रुपए जब आप अकेले होते हो तो आप क्या काम करते हो सबसे पसंदीदा काम क्या है आपका रीड बुक्स और इधर आई थिंक लाइक मैं सिर्फ पढ़ा बैठ के सिर्फ सोच रहा हूँ एंड आई वुड स्पेंड टू आवर्स एक ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है फैमिली कभी फिजिकल फाइट का हिस्सा बने हो बहुत कभी किसी को थप्पड़ मारा है यस yes. कभी किसी से थप्पड़ खाया है हाँ आपके पापा आपके लिए कितना मायने रखते हैं बहुत आपके पापा से एक ऐसी चीज जो आपने सबसे मतलब एक ऐसी चीज जो आपको आज भी काम आती है हार्डवर्क आपकी मम्मी से एक ऐसी चीज जो आपको आज भी काम आती है नेटवर्किंग आपका सबसे बड़ा डर क्या है टू नॉट बी एबल टू गेट माई पीपल ओवर बैंक करप्ट कभी किसी चीज बैन हुए हो बैन लाइक प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ से? Banned, banned नहीं uh, uh, ad account बैन बैन कुछ नहीं फाइनली शादी कब करनी है थर्टी आफ्टर आफ्टर थर्टी अच्छा वो शादी जब करनी है तो उसमें ऐसा कोई मोनिट्री प्लान है या कोई फर्क नहीं पड़ता थर्टी तक में क्या ही फर्क पड़ेगा अभी फर्क नहीं पड़ता तो उसमें कोई मॉनिटरी प्लान नहीं है बट आई आई वॉन्ट टू एंजॉय माई दीज विदाउट अ बाउंड्री ऐसा कौन सा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है जो आप चाहते हैं कि अरविंद अरोड़ा आपसे अभी पूछे कि आपका वर्स्ट कोर्स कौन सा है आपका वर्स्ट कोर्स कौन सा है <laughs> Uh, मेरा एक वर्स uh, कोर्स हमने ट्राई किया था बनाने पे इज हाउ टू इंक्रीज योर कोर्स का प्रोडक्शन वैल्यू यानी किसी प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज हो गया ना mm. तो ये कैसे करें जिसमें मैं टेरिबली फेल हुआ था क्योंकि मेरा बेकार है टेस्ट <laughs> तो किया था तीस लोगों पर वेरी बैड mm. क्यों बनाया मैंने अगर आपको कोई एक सवाल पूछने का मौका मिले अरविंद अरोड़ा आपके होस्ट से तो आप क्या सवाल पूछेंगे आप मुझसे पूछेंगे ऐसा सवाल कि मैं आपसे पूछूंगा आप, 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 आप मैं आपसे पूछूंगा आ, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ एक ऐसा सवाल जो आप अपने कंट्रोवर्शियल जा सकता है एनीथिंग देखो मैं फिर से सवाल देखो ध्यान से समझ समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कोई एक ऐसा सवाल वो कुछ भी हो सकता है कुछ भी कोई ऐसा सवाल जो आप अरविंद अरोड़ा से अभी पूछना चाहते हो वो कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहा है मैं पूछ लेता हूँ इफ़ यूर सब्सक्राइबर्स इन फॉलोअर्स गो अवे डज इट मैटर टू यू घंटा भी नहीं थैंक्स फॉर बी ऑनेस्ट तो क्या है कि हम बिताए हमारे बत्तीस साल तीस साल ऑलमोस्ट बिना यूट्यूब के जिंदगी चल तो रही थी ऐसा तो थी कि नहीं चल रही थी हाँ एक नेम फेम मिला इससे सब कुछ मिला पर आया अब जो चीज़ आई है ना मुझे जाएगी ज़रूर ठीक है आप हर बार तो बादशाह बन के जी नहीं सकते ना तो उसका कोई गम लेके फायदा क्या है जो चीज़ मिली उसको है उसको एंजॉय कर लिया बहुत है फाइनली कॉन्वर्जेशन बड़ा मजा आया हिमांशु ने बड़े दिल खोल कर आंसर्स किए हैं और लिटरली यार बंदा सीखने और सिखाने लायक है no नो डाउट यार कई लोग ऐसे होते हैं ना लाइफ में जो आपको मिलता है आपको लगता है यार थोड़ा और बैठते हैं थोड़ा और बैठते हैं थोड़ा और बैठते हैं थोड़ा और बैठते हैं सीखने को मिलेगा सीखने को मिलेगा ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन तो जब भी आपको हिमांशु कहीं मिल जाए ना तो प्लीज आप बैठो यार आपको चीजें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी और आप फर्स्ट इंप्रेशन से बिल्कुल जज मत करना ये बंदा एक्चुअली ना मुझे एक्चुअली सही बताऊं तो मुझे ओशो की याद आ गई ओशो जानते क्या होता है तो आप ना ये कोचिंग इंडस्ट्री का ये बंदा पहला बंदा ओशो टाइप मिला है मुझे ओशो का मतलब होता है गहरा समंदर जिसका कोई अंत नहीं रजनीश को पढ़ते हो जी एक किताब पढ़ी नॉट सारी

उनको आप जितने भी यंगस्टर्स हैं ताकि वो यार यू you नो know, एक डेटिंग ऐप को वो दो मिनट में डाउनलोड कर लेते हैं किसी लड़की के घर के चारों तरफ चक्कर काटना हो तो भाई साहब बाइक लेकर निकल लेते हैं ठीक है टाइम वेस्ट करना हो तो उनके पूरा टाइम है लेकिन जब करियर के बारे में करियर प्रोस्पेक्टिव के बारे में सोचना हो तो उनके पास टाइम नहीं है इतना डीप डाइव नहीं करते चीज़ों को जितना किसी लड़की के लिए नंबर निकालने में भी कर लेंगे तो आपको ऐसी कोई दो या तीन एडवाइसेस उनको देनी है ताकि वो फोकस करें उनको पता लगे कि जिंदगी बहुत यू you नो know, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप इस अर्थ पे आए हो डो नॉट वेस्ट योर टाइम सो अगेन दो तीन चीजों पर बात नहीं करूंगा आई से ओनली वन थिंग बट वो उस चीज उस बात को सफल कर देगी hmm. um, मतलब ही मत बनो ऑल द पीपल हु आर आर चेजिंग गर्ल्स हु गर्ल्साइड देर ट्राइंग टू जस्ट लुक कूल या जो भी आप ये कर रहे हो विच यू कॉल एस डिस्ट्रैक्शन

Someone else rather than you. For example, it was first my mom, then became the family, then became the team, and it's it's a community, right? Or when that happens, like, i you like. I'm. i मेरे को पैसा कमाना है या मेरे को बिजनेस ग्रो करना है मैं इसलिए उठता हूँ कि मेरे को पता है मेरा एक क्लाइंट है अमन जिसके घर पर ये प्रॉब्लम चल रही है और उसके लिए इतना पैसा लगेगा जो हमें नब्बे दिन में निकालना है कैसे भी राइट mm. right? और जिस दिन आप वो कर लिया डिस्ट्रैक्शन लगेंगे आपको क्योंकि आपको पता है वो अमन की माँ या अमन की माँ तो नहीं बट एन पर्सन की मम्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है इस नोट अबाउट कि आपको अगर पैसे पैसा कमाना है या किसी चीज को चेज करना है कभी कभार दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं तो उसमें मकसद मिल जाता है और खुद भी तर जाता है उसमें ही मकसद है हाँ अगर आप टेक्निक सोचें तो लाइक अरविंद अरोरा जी खुद के लिए नहीं जी रहे आपके लिए जी रहे मुझे पता है अगर अरविंद अरोरा जी को मैं बोलूँगा कि यार एक काम करो आप सात दिन शॉर्ट्स में बनाओ ही वुड नॉट स्टॉप बिकॉज उनके नंबर उग जाएंगे ही 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 वुड 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 स्टॉप स्टॉप अगर उनके नंबर उग जाएंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बट वो जो लोग हैं जो वेट कर रहे हैं वो नेक्स्ट मोटिवेशन या वो नेक्स्ट हिट जिसके से ऑफिस जा पा रहे हैं हैं या काम कर पा रहे दैट दैट इज मोर देन द द नंबर्स यू सी ऑन स्क्रीन आज के टाइम पे तो मैं एक्चुअली इसी वे से ज्यादा काम कर रहा हूँ मैं अभी बोलता भी हूँ कहीं मैं टायर्ड हो जाता तो थक जाता हूँ छोड़ो या जित अब जिससे जिंदगी कट जाएगी उतना कमा लिया अब क्या ही जरूरत है बट मैं सोचता हूँ कि ठीक है यार अपने जो बच्चे हैं जो बहुत आस दे के हमारे साथ काम करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी मेरे साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं वो भी मेरे लाइफ में बहुत काम आएंगी Correct. और उनका उनकी फैमिली चलती है बहुत सारे लोग हैं जो इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं वो चीज़ खुशी देती है इस वजह से काम करते हैं आज तो वो चीज़ें ज़्यादा मोटिवेट करती हैं सो फाइनली गाइज मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है कि मैं हिमांशु के साथ है ना अगला सेशन ज़रूर करना चाहूँगा इन्वाइट करूँगा पर पता है वो कब इन्वाइट करूँगा आपको सिंपली एक काम करना है अभी जितना आपने देखा ठीक है जितना इस बंदे को जाना आपको क्या करना है सिंपली आप जाओ कॉमेंट सेक्शन में और आपको अपना एक कॉमेंट हिमांशु के नाम लिखना है ऐसा कौन सा आंसर है जो हिमांशु का आपको बहुत अच्छा लगा वो लिखना है इसके अलावा आपको क्या करना है और अब मैं मैं चाहता हूं पर्सनली इस सेशन के लिए लिखो मैंने पर्सनली कभी नहीं बोला आज से पहले तक फॉर्मेलिटी करता आया था मैं पर्सनली बोल रहा हूं कि इसको दोबारा बुलाऊंगा और आपका नाम लेके इनसे सवाल पूछूंगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जाओ पहला ये कि इसका कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा दूसरा आप अगर मेरी जगह पर होते तो हिमांशु से क्या सवाल पूछते हैं और तीसरा लास्ट क्या एक्सपेक्ट करते हो हिमांशु से अब ये तीन चीजें आपको लिखनी है और जो बेस्ट आंसर्स होंगे उन क्वेश्चंस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से मुझे दें ताकि मैं पूछूं और डेफिनेटली आपके नाम से पूछूंगा मैं डोंट वरी अबाउट इट और कोशिश करेंगे कि एक रिवॉर्ड रखें आपके लिए मेरी हमारी तरफ से सो ओके सो इज द केस जितने भी लोग सुन रहे हो आई क्रिएट अवार्ड ऑफ वन लाख रुपीज आई पे फ्रॉम माई माई पॉकेट जितने भी लोग ये देख रहे हैं इट्स नॉट टू शो द मनी बट इट्स टू हेल्प यू बिकॉज अगर आप क्यूरियस हो और मैं उसके लिए आपको रिवॉर्ड कर दूँ तो एक पैटर्न बन गया और वो पैटर्न अगर बन गया तो आप बार बार क्वेश्चन पूछोगे कि इज अ गुड थिंग सो आई 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 वुड लव इफ अरविंद अरोरा जी वुड लाइक टू डू दैट आई गेट अ पूल ऑफ वन लाख रुपीज़ थाउजेंड रुपीज़ फॉर गुड क्वेश्चन सो विल चूज हंड्रेड क्वेश्चन आई नो नो आप जितने भी चुनते हो बट विल डिवाइड वन लाख रुपीजी नो दैट एंड आप जो भी क्वेश्चन पूछो उसके बाद अपना पेटीएम यू पी आई डी जो भी है आप हो वो डाल दीजिएगा सो दैट वी कैन सेंड द मनी टू यू एज वेल एक काम कर सकते हैं आप आप लिखिएगा और आपको हम कोई एक स्ट्रक्चर दे देंगे जिसके थ्रू ये होगा सो so, सिंपल uh, है जिसके बेस्ट क्वेश्चंस होंगे हमने अगर चुन लिया उनके क्वेश्चंस को नेक्स्ट टाइम पे तो आपको बता ही दिया कि आपको प्राइज़ में क्या मिल सकता है है ना और इसके अलावा बेस्ट क्वेश्चन को हम लोग रिवॉर्ड करेंगे बैगलोर को लाए आपको हमारे खर्चे पर ए टू मोटिवेशन के खर्चे पर ठीक है नेक्स्ट टाइम जो हिमांशु आएगा तो हम चाहेंगे कि आप पॉडकास्ट को यहाँ बैठ के एन्जॉय कर पाओ ठीक है तो ये हम हमारी तरफ से कहते तो हैं और ये हमने पहली बार किया है क्योंकि मुझे भी बड़ा मजा आया यार ऐसे यंग ब्लड देख के थोड़ी एनर्जी आ जाती है तो 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 बूढ़ा हो गया रिटायरमेंट तो ले लेते हैं पर बहुत मजा आया और थैंक यू सो मच मैं फिर से कह रहा हूँ बुरी चीजें बहुत जल्दी स्प्रेड आउट होती हैं उनको शेयर नहीं करना चाहते फिर भी आप शेयर करते हो अच्छी चीजें नहीं होती हैं पॉडकास्ट बहुत अच्छा है लोगों से शेयर करो मजा तो भी आएगा टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलता है अगले सेशन में टेक केयर गुड नाइट